शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से क्या हुआ बेब? हमारी मीटिंग है ना अभी? मीटिंग है नहीं, मीटिंग थी जो तुम्हारी वजह से हो नहीं पाई। मेरी वजह से मतलब? एक घंटे बाद आराम से लहराते हुए आ रही हो और पूछ रही हो मीटिंग है आज? पर अबे मीटिंग तो 4 बजे की थी और मैं तो बिल्कुल। मीटिंग 3 बजे की हो गई थी और सोनिया ने तुम्हें फोन करके बताया था। कब? अबे मुझे बिल्कुल याद नहीं है ये। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो सुनती क्यों नहीं हो? मैंने कहा था ना तुमसे, दो दो काम साथ में घर नहीं संभाल पाओगी तुम। पर नहीं, तुम्हें मुंह उठा के झांसी की रानी बनना ही था। अरे यार, गलती मेरी है जो तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब तुम्हारे चक्कर में मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और वो भी तब जब कॉन्ट्रैक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे। पता नहीं अभी मुझे मीटिंग के समय में कैसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे माफी तुम मुझे दे दो शता, अब तुम्हारे चक्कर में मैं अपना और नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए आज से तुम चूल्हा चौका देखो, अपना बिजनेस मैं खुद संभाल लूंगा। श्रद्धा, श्रद्धा क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो, बताओ हमें। बुआ जी, मुझे नहीं पता मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतना बड़ा नुकसान मैंने कैसे होने दे दिया। बुआ जी, नुकसान? ये क्या कह रही हो तुम? तुम हमें शुरू से पता और तुम इतना रो क्यों रही हो? बुआ जी, मैं अभय की मदद करना चाहती थी, मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। मुझे सोनिया ने फोन पर बताया था कि मीटिंग का समय बदल गया, पर शायद मैं ठीक तरह से सुन नहीं पाई और मेरी वजह से वो मीटिंग हो नहीं पाई। अभय का एक बड़ा क्लाइंट उनके हाथ से निकल गया, सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ जी। श्रद्धा, इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी तुम्हारी कि अभय ने तुमसे इस तरह बात की। आज जो उसने किया है ना, उसने बहुत गलत किया है। सोनिया प्लीज, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, पर ये हमारे आपस की बात है, हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। लो बताओ, तुम दोनों आपस में ही बहस करती रहोगी या हमें भी कोई कुछ बताएगा कि अभय ने ऐसा क्या किया है? श्रद्धा, क्या किया अभय ने बताओ। क्या हुआ, फोन आया तो उठा लो। हाँ, फोन वही, हम ये फोन बात करके आते। जी वरुण जी। कीर्ति, मैं सोच रहा था आज तुम्हें ऑफिस में मिलने के लिए आऊं। मेरा काम भी बस हो ही गया, अब साथ ही घर चलेंगे। क्यों वरुण जी, अभी हम बात नहीं कर सकते, मीटिंग में है। काम खत्म करके आपको फोन करते हैं, ठीक है? हो गई बात, चलो बैठो, ऑर्डर भी आ गया। शिप, कीर्ति ने ऐसे अचानक फोन क्यों कर दिया? मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अब जॉब कर रही है, उलझी होगी किसी काम में। हो क्या गया है अभय को? ये बात बोलने से पहले एक दो बार नहीं, 3-4 बार उसे सोचना चाहिए था, ताकि बाद में उसे खुद पर शर्म ना आए। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मर्दों को बीच बीच में हो क्या जाता है कि अपनी मर्दानगी दिखाते रहते। लेकिन तुम अपना दिल छोटा नहीं करोगी, अब हम आ गए, अभय की अकल अब हम ठिकाने लगाएंगे। तुम बस देखती जाओ, तुम कुछ नहीं बोलोगी अभय। नहीं बुआ जी, आप उन्हें कुछ मत कहिए, वो पहले से ही बहुत परेशान है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना श्रद्धा कि मुंह में जो आए वो बोल दे?
और इस घर के लोगों की आदत हो गई है जरा जरा सी बात पे अपनों को ठेस पहुंचाने की। और बुआ जी, इतने सालों में इस घर में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहते। बुआ जी, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो क्या इस हक से कोई किसी को कुछ भी बोल देगा? हाँ, नहीं बुआ जी, प्लीज आप अब ऐसे कुछ मत कहिए। ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ। ओ, तो आते बुआ जी से मेरी चुगली भी कर दी तुमने। अभय, ऐसे कैसे बात कर रहे हो श्रद्धा से? और बुआ जी को श्रद्धा ने नहीं, मैंने सब कुछ बताया। सोनिया, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, मेरे मामलों में दखल मत दिया करो। अगली बार ये गलती हुई ना तो सीधा नौकरी से बाहर। तो कर दो ना बाहर अभय। वैसे भी मैं हर बार तुम्हारी गलती में चुप नहीं रहने वाली, क्योंकि आज जो तुमने किया है ना वो बहुत गलत किया है। भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ आरती, मम्मी जी को ये सारे मेडिसिन्स खिलाने हैं ना, उन्हें ये दे देना। और हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना कि उन्हें एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके हाथ का दर्द कम होगा। हाँ भी, मैं तो एक्सरसाइज करा दूँ पर वो मेरी सुनती कहाँ है, पता नहीं अलग ही जिद पकड़ के बैठी हैं वो। इतना दर्द हो रहा है उन्हें पर पता नहीं एक्सरसाइज के नाम पर उनको क्या हो जाता है। आरती, हमें यही बात तो समझनी है, शायद उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से वो करना नहीं चाह रही है। लेकिन हमें उन्हें एक्सरसाइज तो करवाना पड़ेगा, आखिर उनकी सेहत का सवाल है। पर फिर ऐसा है तो आप ही उन्हें समझाओ, क्योंकि मेरी बातों वो मान नहीं रही हैं। ये ले जाऊं? श्रद्धा, श्रद्धा, क्या हुआ अभय? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ठंडी चाय पिलानी है तो मुझे बता दो, मैं खुद बना लूंगा। अभय, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पिछले आधे घंटे में बनाया हुआ ये मेरा चाय का चौथा कप है। अब आप अपने काम में इतने उलझे रहेंगे तो चाय तो ठंडी होगी ना। अब ये भी मेरी गलती है कि मैं अपने काम में उलझाऊं। श्रद्धा, तुम नहीं जानती हो मैं कितना परेशान हूँ। अभय, मैं समझती हूँ कि आप बहुत परेशान है और मैं आपकी मदद भी करना चाहती हूँ, पर आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। हेलो जी, मैं अभय त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर। थैंक यू सो मच। इस क्लाइंट से मीटिंग फिक्स हो ही गई। अभय, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी सिया के बारे में। श्रद्धा, भी नहीं, मुझे बहुत काम है, सिया को तुम संभाल सकती हो। पर एक बार मेरी बात आप सुन तो लीजिए ना। श्रद्धा, मुझे बहुत काम है, बोला ना, मैं बहुत बिजी हूँ यार, मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है अभी। अच्छा ठीक है, सिया को मैं संभाल लूंगी, लेकिन मम्मी जी के बारे में जो बात करनी। मम्मी के लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ मैं। श्रद्धा, मुझे बहुत तैयारी करनी है, इस क्लाइंट को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो अब हमारी बारी है ना। इस हाथ से करते हैं, ये रहा, तुम ही चल दो। सिया, कल की टेस्ट की तैयारी हो गई आपकी? जितने मजे से आप खेल रहे हो, कल पक्का आप स्कूल। सिया, कुछ भी हो जाए कल स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। आप आज भी स्कूल नहीं गए थे, कितनी पढ़ाई बाकी रह गई है। अरे, हमने इसे यहाँ बुलाया है और तुम ना हमारी सिया के पीछे मत पड़ो। हाँ मम्मी जी, ये आज भी स्कूल नहीं गई थी और कल स्कूल में टेस्ट है, तैयारी ठीक से नहीं रहेगी तो डायरी में रेड नोट आ जाता है। और आपको भी तो डॉक्टर ने कहा है ना समय समय पर कसरत करने के लिए। ये देखिए, मैं आपके लिए तेल भी लेकर आई हूँ कि अगर आपको कसरत करने में तकलीफ हुई तो फिर आपको थोड़ी राहत मिल जाए। तुम्हें हमें ना ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। पर मम्मी जी, आपका अरे, तुम ना हमारी दादी माँ मत बनो। सिया बेटा, तुम्हारी बारी है ना, चलो खेलो।
चल दो। यशवी जी, किसका गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है? आपकी लाडली श्रद्धा का। हम कब से उसे फोन कर रहे हैं, पर वो है कि हमारा फोन ही नहीं उठा रही है। किसी जरूरी काम में होगी। जरूरी काम? माँ का फोन उठाने से भी जरूरी काम? अरे हम कौन सा उसे रोज फोन कर करके तंग करते हैं। आज हमें उसकी जरूरत है इसलिए फोन कर रहे हैं, पर वो है कि हमारा फोन ही काटने में लगी हुई है। यशवी जी, आप शांत रहिए, मैं हूं ना, आपको जहां जाना है मैं लेकर चलूंगा। नहीं, आप यहीं रहिए, क्यारा घर पे अकेली है। ये कीर्ति बिना जाने आज कहां रह गई? कोई है यहाँ जो हमें जवाब दे सके? कानपुर की दूसरी फ्लाइट है या नहीं? कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं हम। मैम, देरी के लिए क्षमा चाहते हैं, पर खराब मौसम की वजह से आज की सारी दिल्ली से कानपुर जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप प्लीज दोबारा चेक करिए, कोई ना कोई फ्लाइट तो होगी कानपुर के लिए, प्लीज। नहीं मैम, आज के कानपुर जाने वाली और कोई फ्लाइट नहीं है, आपको अब कल सुबह की ही फ्लाइट मिल पाएगी। अगर मम्मी पापा को पता चला तो हमारी जान निकाल देंगे। और वरुण जी? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कानपुर से बाहर हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमें ये संभालना होगा। और वरुण जी को तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि हम राज के साथ बाहर हैं। हम राज के साथ यहाँ दिल्ली में क्या करें? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। एक्चुअली मैं कीर्ति को सरप्राइज देने आया था, इसलिए पहले फोन करके बताया नहीं। आइए ना, अंदर आइए। जी जी। वरुण बेटा। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। वरुण बेटा, कीर्ति तो अभी तक लौटी ही नहीं है। क्या, अभी तक नहीं लौटी? पर उसकी मीटिंग तो अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी, इतनी देर कैसे हो गई? कुछ बताया भी नहीं उसने। बेटा आप फिक्र मत करो, हो सकता है रास्ते में ही हो। आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लगा देते, आइए। नहीं नहीं मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं बेटा, बस मौसम की वजह से थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है। ठीक है ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, और कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलिएगा जरूर, अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। हमें अपने साथ घर ले चलो ना। क्या रहा बेटा, आप अभी तक जगे हुए? हमें अकेले नींद नहीं आ रही थी, अब कीर्ति भी ऑफिस में बिजी रहती है, बिल्कुल आपकी तरह हम यहाँ अकेले बोर हो जाते हैं। चलो ठीक है, आज तुम पापा और दादी के साथ रहोगे, ठीक है? और रास्ते में आइसक्रीम भी खाएंगे। अरे ये तो कमाल हो गया, मेरे मन में भी यही बात चल रही है। और हम ना आपकी फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? हम जल्दी से अपना बैग लेकर आते हैं। ठीक है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आ जाएगी वापस, बिजी हो गई होगी। जी बेटा। कहाँ हो तुम कीर्ति, इतनी रात हो गई है, पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन घबरा सा रहा है। घबराहट से हमारी जान जा रही है राज, हमें किसी भी हालत में आज के आज कानपुर पहुंचना है, घर जाना है, हमें नहीं रहना यहाँ पे, बस कुछ करो, एक भी फ्लाइट नहीं मिल रही, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कीर्ति प्लीज काम डाउन, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, वो एयरलाइन में काम करता है, कुछ ना कुछ तरीका निकल जाएगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। हम कैसे सब्र रखें? हाँ राज, हम घर पे झूठ बोल कर आए हैं, और कियारा, कियारा मम्मी पापा के साथ अकेले है, पता नहीं कितना परेशान हो रहे होंगे वो लोग। राज 8 बज के अभी तक हम दिल्ली में ही हैं। हमें जाना होगा, जाना होगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, चलो घर, हमें कुछ तो करो राज। कीर्ति में लगा हुआ हूँ, तुम देख रही हो ना, मुझे क्या पता था कि मौसम बिगड़ जाएगा और फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी,
अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती ना तुम्हारी है ना हमारी है, पर उस गलती का बोझ हम अपने सर पे क्यों लें? अगर किसी को भी पता चल गया कि हम दिल्ली में आपके साथ अकेले हैं तो भगवान। अरे ऋतु, आरती, सोनिया सब कहाँ है भाई? अरे भूख से हमारा पेट सिकुड़ गया है। अरे हमने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, हमने खाना मांगा था और तुम कच्ची सब्जियां ले आई हो, तो हम इसका क्या करेंगे भाई? वो मम्मी जी सब्जियां भी बनानी है। अरे तुम घड़ी देखना छोड़ दियो क्या? 8 बज रहे हैं और अभी तक सब्जी नहीं बनी है। मम्मी जी वो क्या है कि सिया को पढ़ा रही थी ना, तो उसमें वक्त लग गया और घर में कितनी धूल भी जमा हो गई है वो भी साफ कर रही थी जिसमें समय चला गया। अरे थोड़ी सी तो सब्जी है, अगर आप काट देंगी ना तो मैं फटाफट बना दूंगी। तब तक एक काम करती हूँ, मैं ना दाल चावल की तैयारी कर लेती हूँ। हे भगवान, एक तो हम जैसे तैसे दर्द में यहाँ बैठे हैं और तुम चाहती हो कि अब हम खाना भी बनाए। मम्मी जी मैं आरती को बोल देती पर वो घर पर नहीं है, बुआ जी भी नीचे हैं और सोनिया अभय का काम कर रही है। अच्छा तो फिर अभय के पापा कहाँ हैं? वो तो अभी तक दुकान से लौटे ही नहीं। मम्मी जी देखिए ना, थोड़ी सी तो सब्जी है, आप फटाफट काट दीजिए, मैं बना दूंगी। ठीक है तुम बाकी का काम करो। अरे बाप रे, हे भगवान, आज तो दादी। अरे अरे मेरा बच्चा। देखा दादी, हमने कहा था ना हम आ जाएंगे। अरे छोटी रानी साहिबा अकेली आई है, कीर्ति रानी कहाँ है? कीर्ति अब आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, उसे आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। अरे बेटा पर 8 बजने वाले हैं, इतनी देर से वो अकेली कैसे आएंगी? आप जाइए उन्हें लेकर आइए। मम्मी मेरी बात हुई उससे, अब वो बस अब मीटिंग में है, जैसी फ्री होगी मुझे कॉल करेगी, उसका ऑफिस पास में ही है, मैं जाकर उसे ले आऊंगा। ठीक है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि कीर्ति इतना बदल जाएंगी, इतनी मेहनत करते हुए उन्हें पहले कभी देखा नहीं है ना, लेकिन अब उन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस एक बार ना वो अपने घर वापस आ जाए। ये खास तोहफा हमारे खास इंसान के लिए, हैप्पी बर्थडे। उम्मीद मैं कियारा को सलाह देता हूँ, वो क्या है ना कि सुबह वो यहीं से स्कूल जाएगी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट बेटा। सुनिए हो जाएगा ना सारा काम, कल मीटिंग करनी ही है पर इस बार कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। हे भगवान। मम्मी आप छोड़िए, ये क्या कर रहे हो आप? एक दिन भी आराम नहीं करना है ना आपको, इस हालत में सब्जियां काट रहे हो आप, किसी और से कटवा लेते। अरे किसको काम दे दे बेटा, श्रद्धा ने हमें ये काम दिया है, इतनी देर हो गई है और खाना भी नहीं बना है। वो कह रही थी कि ऋतु और सोनिया आरती सब कुछ ना कुछ काम में उलझे हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम ही मदद कर दें। हम कर लेंगे बेटा, अकेले वो कितना कुछ करेगी। हाँ श्रद्धा, श्रद्धा क्यों श्रद्धा पर चिल्ला रहा है? इसकी हरकतें तो दिखाई नहीं देती ना आपको पापा, पूछिए इससे ये क्या कर रही है मम्मी के साथ, इस हालत में भी मम्मी से सब्जियां कटवा रही है ये। तो इसमें गलत क्या है अभय? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या श्रद्धा? अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती तुम्हें? पहले ऑफिस में मेरी डील खराब कर दी, अब यहाँ घर पे अपना काम नहीं कर पा रही हो, क्लाउड किचन संभालती हो ना, और ये जरा सी किचन नहीं संभाली जा रही तुमसे, अपनी खुद की मम्मी से तो ये सब नहीं करवाती ना तुम। बस करिए अभय, कुछ भी बोले जा रहे हैं क्या आप? मैं बस सच बोल रहा हूँ। चुप।
ना बड़ों का लिहाज है और ना अपनी बीवी की इज्जत। तुम्हारी मम्मी हाथ की कसरत करने से मना कर रही है। डॉक्टर ने कहा है अगर वो कसरत नहीं करेगी तो उनका घाव बढ़ जाएगा। श्रद्धा इसीलिए ये देसी नुस्खा अपना रही है, अपनी सास की भलाई के लिए। और तुम क्या आज मम्मी मम्मी कर रहे हो? एक बार भी आकर तुमने पूछा कि डॉक्टर ने जो कसरत करने के लिए बोला है मम्मी आपने वो कसरत की या नहीं? हम और आरती प्यार से उनके पीछे पड़े हुए, अगर तुम्हारी मम्मी किसी की बात मानती है। इसीलिए श्रद्धा ने ये तरीका अपनाया और तुम हो के बिना कुछ सोचे समझे आकर सीधा हल्ला मचा रहे हो यहाँ पर। मैंने तो नहीं बोला ना ये सब करने के लिए। और बुआ जी मैं भी तो लगा हूँ ना लंदन में, मम्मी का इलाज अच्छे से हो उसी की तैयारी में लगा हूँ, पर मम्मी को दर्द देने की जरूरत ही क्या है? मम्मी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उन्हें दर्द हो। रहने दीजिए बुआ जी, उन्हें कुछ मत कहिए प्लीज। श्रद्धा चुप, आज हम जवाब मांगेंगे और भाभी से मांगेंगे। बताइए भाभी, क्या श्रद्धा ने कभी किसी का बुरा चाहा है इस परिवार में? अरे दूसरों की बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। शादी के बाद आज तक क्या श्रद्धा ने कभी भी आपका बुरा चाहा? बोलिए। और तुम श्रद्धा के पति हो, बताओ हमें शादी के बाद से आज तक क्या उसने हम सब का ख्याल नहीं रखा? क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? बोलो, जवाब दो अभय। सिया बेटा चलो जल्दी से उठो, स्कूल के लिए तैयार होना है आपको। मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे सोना, स्कूल नहीं जाना। आज आपको स्कूल के लिए मैं तैयार कर दूंगा। मम्मा आप मुझे ऐसे स्कूल क्यों भेजना चाहते हो? जान दे मेरे साथ। बेटा जो भी बात है ना आप मुझे बताओ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी बेटा, आई प्रॉमिस। जो भी बात है मुझे बताओ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।